और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाला एक गेम प्ले, लेकिन नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, जिसमें लास्ट जोन पूरा ओपन में बना और तुम्हारा भाई जोन का सेंटर उसमें भी पकड़ के बैठा है। देखते जाओ बस कैसे सर्वाइव करा है, कैसे किल्स उठाए हैं। इन शॉर्ट देखो बड़ो वाली बातचीत होगी। अभी बातचीत कर लीजिए अपने गेम प्ले की। तो तुम्हारा भाई इवेंट पे गया था, अच्छा खासा इवेंट खाली करके आया, चार किल के साथ में रिकॉल भी उठाया है। उसके बाद यहाँ पे आके बंदे का फुटस्टेप आता है और हाँ, मैं आगे का गेम प्ले दिखा देता, लेकिन रिकॉर्डिंग जस्ट अभी स्टार्ट करी मैंने, वरना तो पूरा गेम प्ले ही जाना था। वो तो अब आदत ही पड़ गई मेरे को कि मेरी रिकॉर्डिंग चालू होती नहीं है, बीच बीच में चेक कर लेता है तुम्हारा भाई। अब मेरे को बिल्कुल हल्का सा फुटी स्टेप आया था, तो उस हिसाब से मेरे को लगा ये ब्लू घर पे होगा या फिर ट्रिपल स्टोरी पे होगा। अब ये भाई साहब पता नहीं कहां लंदन में थे, अपने को धर लिया गया एकदम प्यार से। अब ये जो बकचोदी करी ना, बस इसके बाद मैंने सोच लिया था अब अपने को चाहिए रिवेंज, वापस आना पड़ेगा। और अगर मेरे को वापस आने में AKM दे दी होती ना, तो मैं और प्यार से निपटाता। सबसे ज्यादा घटिया गन दी थी मेरे को ऑग, जो मेरे से बिल्कुल नहीं चलती, फिर भी देखो कैसे हुई है फाइट। अभी ये बंदा खेल काफी ज्यादा अच्छा रहा था, अभी देखना वाटर बॉल नेड मॉली सब यूज करेगा एकदम अच्छे से। लेकिन तुम्हारा भाई भी किसी से कम थोड़ी है, बस ये ऑक की वजह से अपने को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा, वरना तो और इजीली निपटा दिया जाता। बाकी फाइट देखो, अभी तुम फाइट देखते जाओ बस। अब ये बंदा जैसे तैसे निपटा तो दिया तुम्हारे भाई ने। बाकी यार पता नहीं है बीच बीच में आजकल क्या ग्लिच हो रहा है, यहाँ पे भी तुम लोगों ने देखा बंदा मरते ही फायर रुक गया, खुद ही रुक गया बिना मतलब। खैर जस्ट इग्नोर सिलेसिंग, तुम्हारे भाई ने रिवेंज ले लिया ना, वो मेन बातचीत है। बाकी पहली वाली में तो जो ही हगा था और दूसरी वाली फाइट में भी हगी दिया था लगभग, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने देखो रिवेंज ले लिया, लाइक हो जाना चाहिए। अपने अच्छे खासे 5 किलो के, तो उसके बाद आराम से जा रहा था कि सामने की साइड में फाइट वाइट हो रही थी, तो अब देखो कैसे जगह खाली करवाई जाती है। अब ये तो दोनों बंदे एकदम प्यार से धर लिए गए, दोनों को होश हवास ही नहीं है कि मैं हूं कहां पे भाई, दोनों को नहीं आता पता चल रहा, दोनों को एकदम प्यार से निपटा दिया। अपने अच्छे खासे 7 किलो जाते हैं, थाला फॉर अ रीजन। उसके बाद देखो अभी कैसे और किल्स निकाले जाएंगे। अभी देखो इस स्प्रे से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें ये स्प्रे इसलिए दिखाया है कि भैया जब गाड़ी औकात से बाहर हो रहा है तब भी स्प्रे लिया करो, क्या पता अभी 2 टन बच जाते, रिपोर्ट पड़ जाती है ना, तो एकदम मजा सा आ जाता है, ट्राई कर लिया करो। बाकी गाड़ी की तो ऐसी तैसी मार दी थी तुम्हारे भाई ने। भाई अब यहाँ पर तुम्हारे भाई ने एक किल भी उठा लिया, जैसे तैसे बच भी गए और बाकी अपने एक भाई साहब भी मिल जाते हैं। वैसे देखो मीटअप करने का मूड का तो पता नहीं, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था, तो तुम्हारे भाई शांति निकल लेता। उसके बाद देखो सामने की साइड में गाड़ी दिख जाती है, अपने को गाड़ी चाहिए और उसका मालिक भी है, तो मालिक को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे ले ले मेरे बाबू ने थाना थाया, यही चल रहा होगा पक्का 101%, क्योंकि भाई लास्ट जोन में रील्स कौन चलाता है, बाबू नहीं थाना नहीं थाया होगा भाई, चल रहा होगा ना। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने धर लिया एकदम प्यार से, अपने अच्छे खासे 9 किलो के, तो उसके बाद देखते जाओ अभी।
अभी देखो पूरा सर्कल ओपन का बन चुका और तुम्हारा भाई जाके सीधा जोन का सेंटर पकड़ता है। एक बार जरा मैप देखो, एकदम एग्जैक्ट सेंटर में बैठा तुम्हारा भाई एकदम आराम से। अभी देखो हर जगह फाइट ली जाएगी और उसी के चक्कर में अपना चिकन मिस होने वाला है क्योंकि एमओ की कमी होगी, इतना किल्लत होगी एमओ की। नहीं चुल है ना बिना मतलब कि जब अच्छा खासा मॉन्स्टर ट्रक वाले को निपटा रहा था, अच्छा खासा ड्रॉप के पीछे बैठा रहता, तू भी फायर उसी पे लेता, मेरे पे फायर लेके बिना मतलब कि अपनी पेटी बनवा ली। तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, अपने को किल मिल रहा ना बस, बात खत्म। दो डिजिट में तुम्हारे भाई के किल हो गए, देखो बड़ो वाली बातचीत हो गई है। अरे यार ये सबसे ज्यादा बेकार लगता है मेरे को, या तो तुम बंदा मेरे को स्पॉट होना है, और अगर स्पॉट हो रहा है तो मेरे को मारने दो। भैया तुम स्पॉट होने के बाद कवर में काहे चले जाते हो? बस यहाँ देखो, यहाँ मैं खुश हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट, गोली नहीं लगी वो अलग बात चीज है। ये भाई साहब करना क्या चाह रहे थे बे? तुम्हारे पास बीआरडीएम है, तुम फिर भी बाहर भटक रहे हो, और भटक रहे हो तो भटक रहे हो बीआरडीएम के अंदर तो बैठो बे। ये बंदा अगर कवर में ना जाता और गलती से टंटना दिया गया होता ना 101%, अभी दो बंदे फिर चिल्ला रहे होते भाई ESP एमबॉट फलाना ढिमकाना। बस उड़ती चिड़िया धरी ली गई थी भाई, यहाँ से तो मेरे को किल मिले ही नहीं है, किल ऐसे चोरी हुए ना, बस ये उड़ती चिड़िया धरी ली गई थी, इसने जो यूटर्न मारा उसकी वजह से बच गया ये। देखो स्टार्टिंग के 11 किल का डैमेज एक तरफ और लास्ट पे जो ये जीरो किल है ना उसके डैमेज एक तरफ। भाई हर किसी बंदे को इतना ज्यादा डैमेज दिया लेकिन किल मिल ही नहीं रहा है बिना मतलब के, भाई साहब A1 HP बचा रहे हैं। भाई सर बताने, ये 3 सेकंड बाद जो गाड़ी फूटती है ये किस किस को अच्छा लगता है? भाई मेरे को सबसे ज्यादा बेकार ये चीज लगती है कि भाई पता ही नहीं है तुम्हें गाड़ी फूटेगी कब, पहले कम से कम पता तो रहता था, हेल्थ देख रहे हैं हाँ फूटने वाली है, भाई अभी पता ही नहीं रहता है। अभी देखो यहाँ पर या तो इस बंदे की किस्मत ज्यादा अच्छी थी या फिर मेरा स्प्रे ज्यादा बेकार था, नहीं मतलब बंदा पूरा पेड़ के कवर में आया एकदम अच्छे से। अभी देखो अभी अपने अलावा लास्ट के दो बंदे बाकी है, अब कितने भी बच रहे हो तो अपने को चाहिए चिकन जो कि मिलने नहीं वाला है, मैं तुम्हें पहली बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये जो एमओ है मैंने इतनी सारी बर्बाद करी है ना, देखते जाओ बस, अभी इन दो बंदों के बीच में फाइट हो रही है, मैं फालतू में एमओ बर्बाद करो फालतू में। ऐसे देखो कहने को मेरा किल चोरी हो गया है लेकिन ज्यादा कुछ देखो मेरे को दुख हुआ नहीं क्योंकि मैंने एक गोली मार की नॉक दिया था, किल वैसे उसी का था, ठीक है उसने चुरा लिया, लेकिन एट द एंड देखो किल फिट अपनी आई, इतना चोरी हुआ है मेरा किल, बस बात खत्म। अभी देखो लास्ट में 1v1 की फाइट देखो, बाकी देखो जब तुम्हारा दिमाग दो जगह चल रहा होता ना, मैं ये सोच रहा कि यार मैं अंधा फायर भी नहीं दे सकता, ऊपर से उसके पास DBS है, दोनों गनों की एमओ देख रहे हो, उसके बाद भी चलो फिर भी जाता है तुम्हारा फाइट लेने। और अब यहाँ पे सारे सीन देखो, अब यार अगर मेरे पास अच्छी खासी एमओ होती ना एकदम अंधा चलाने लायक तो तुम्हारा ही निपटा देता, तुम्हारे भाई ने देखो स्मोक में भी इतनी सारी गोलियां मार दी थी एडजस्ट करके, लेकिन भैया एमओ ही नहीं है मेरे को, ऐसे गिन गिन के तो चलानी पड़ रही, दोनों गने रिलोड पे आगे मारूंगा किससे। खैर अब ये सारी तो कहने की बात चीत है, अभी देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सर भाई को थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, 2000 फॉलोअर्स अपने होने वाले हैं।